अस्सलामु अलैकुम, फंदक अल फजर अल बदी 5 रुश्त एरिया में ये होटल मौजूद है। 3 स्टार कैटेगरी का ये होटल है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी लॉबी आपको अंदर से दिखाता हूँ और फिर हरम तक कितना फासला है। मैं इंशाल्लाह यहाँ से पैदल जाऊँगा और आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से हरम तक कितना फासला है। मेन ये ब्लॉग हरम से फासले तक का है, तो बाकी इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। मैं अभी आपको इसकी लॉबी दिखाता हूँ। जी, तो ये इसकी लॉबी है, शॉप भी इसके अंदर बनी हुई है। होटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होटल है। ये आप देखिए इसकी लॉबी। तो अब मैं इंशाल्लाह यहाँ से हरम तक पैदल जाऊँगा। ये आप इसकी लॉबी देखें, ये शॉप बकाला भी है, खाने पीने की मजा से यहाँ से मिल जाते हैं। ये रिसेप्शन, खूबसूरत होटल है लेकिन फासला इसका तकरीबन हरम से जो है वो तकरीबन 900 मीटर के लगभग बन जाएगा। यहाँ से तकरीबन राउंड अबाउट 15 मिनट की वॉक होगी। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको हरम तक पैदल लेकर चलूँगा और मेन इसकी तफसील का आपको मालूम हो जाएगा कि हरम तक यहाँ से कितना टाइम लगता है। जी, तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह हरम तक अब पैदल चला हूँ, तो रास्ते में जो भी होटल जाएंगे उनकी भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो ये एक रोड है जो सीधा शहर इब्राहिम खलील रोड तक जाता है, तो तकरीबन ये रोड अबाउट 150 से 200 मीटर तक है, तो काफ़ी रश है। रश की वजह से ये बसें वगैरह भी इधर खड़ी हैं। ये असल में बसें जो है ना वो हाजियों को होटल तक लेके आती हैं, तो इसलिए इनकी वजह से यार ये रश है। तो यहाँ सामने ये आप देखें एक सरकोदा होटल, पाकिस्तानी होटल है ये भी। होटल ज़्यादा यहाँ मक्का में पाकिस्तानी होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन इब्राहिम खलील रोड पर तो काफ़ी ज़्यादा होटल हैं। ये बिल्कुल सामने अब जो है वो शहर इब्राहिम खलील रोड आ रहा है। ये आप होटल देखें, अल बयान अल रुश्त होटल है वो। सामने आपको हिबा अल हिजरा 4 होटल नज़र आ रहा है छोटा सा। तो ये सामने अब आ गया है ये फंदक नदा अल मजद। नदा अल मजद मशहूर होटल है। तो ये सामने इब्राहिम खलील रोड आ गया है, यहाँ से तकरीबन राउंड अबाउट 8 से 10 मिनट की वॉक होगी। तो टोटल ये वॉक तकरीबन को 10 मिनट के राउंड अबाउट हो जाएगी सारी। तो ये इब्राहिम खलील रोड मेन रोड आ गया है। तो इस रोड के ऊपर जो होटल है उनकी कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। गलियों में अगर अच्छे और मुनासिब होटल हों तो उनका रेट भी ठीक होता है। जी, तो ये मैं अभी इब्राहिम खलील रोड पर यहाँ तक तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जी मोहतरम, तो मैं इस गली से अभी बाहर निकला हूँ। तो ये इब्राहिम खलील रोड है, तो यहाँ से हरम तक कितना टाइम लगता है इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है 8 से 10 मिनट के दरमियान मैं इंशाल्लाह बिल्कुल हरम के शहर में पहुँच जाऊँगा।
तो ये बाएं जाना मेरे अल्ताज अल रकी होटल, ये भी 3 स्टार कैटेगरी का होटल है। इब्राहिम खली रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ। तो वैसे तो इसका टाइम जो है तकरीबन यहाँ से 6-7 मिनट लग जाता है, लेकिन मैं थोड़ा इजीली चल रहा हूँ आराम के साथ, तो इस हिसाब से तकरीबन 8 से 10 मिनट में यहाँ से हरम तक मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। माशाल्लाह आजकल काफ़ी ज़्यादा रश है। तकरीबन आप ये देखिए सुबह 7 बजे के टाइम के राउंड अबाउट ये सब हाजी माशाल्लाह फजर की नमाज पढ़कर वापस आ रहे हैं। हिमार अंदलुसिया होटल अभी मैंने आपको दिखाया, ये भी 3 स्टार कैटेगरी का होटल है। ये सामने होटल्स की बिल्डिंग, एक नया होटल बना है। तो इमारत रूसिया की बात कर रहा था, ये भी 3 स्टार कैटेगरी का होटल है, मुनासिब होटल है। तो राउंड अबाउट रेट इसका जो है ना वो 250 रियाल पर नाइट के हिसाब से होता है। अगर रश कम हो तो इसका रेट कुछ कम भी हो जाता है, अगर ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। दिसंबर में इसका रेट तकरीबन 300 रियाल के राउंड अबाउट पहुँच जाता है, और रमज़ान में तो एज ए अवेलेबिलिटी रश की वजह से तकरीबन 500 रियाल तक भी पहुँच जाता है। ये भी मैं कबूतर चौक में आ गया हूँ। ये भाई जाना मेरे देखिए नवाज शम्स 2 होटल था ये। तो ये अभी कबूतर चौक का एरिया शुरू हो चुका है। ये इसके बाएं जानब तो होटल्स नहीं है, बाएं जानब तो वो बस स्टैंड कोई बन रहा है। तो वैसे भी जो शटल सर्विस है वो क्लॉक टावर के पीछे अभी उतारती है, ये इसके बाएं जानब, तो सॉरी दाएं जानब मैं कह रहा था। तो बाएं जानब तो इसके सारे होटल्स हैं, मशहूर होटल्स हैं सारे, तकरीबन नवारा शम्स 1 और 2 भी यही कबूतर चौक में है। इसके साथ साथ उलियान अल खलील, उलियान अल हरम होटल्स भी यही है। पहला होटल जो इस रोड पे आता है वो हिमार अल सुल्तान होटल है, तो उसके बाद लौलत अल फला होटल है, ये आप देखिए मेरे बाएं जानब नवारत शम्स वन होटल, उसके आगे जियाफर रहमान होटल है, ये सारा बाएं जानब दाएं जानब कबूतर चौक। ये जब गली से मैं निकला था यहाँ से तकरीबन ये 700 मीटर का फासला है राउंड अबाउट, तो तकरीबन 200 या 250 मीटर के बाद ये कबूतर चौक का एरिया सारा शुरू हो जाता है, और तकरीबन हरम से लेकर 400 से 500 मीटर तक ये सारा एरिया कबूतर चौक का गिना जाता है। और ये सारे होटल, ये देखें मशहूर होटल तारा अल खलील, साहब का नाम इसका लौलवाल खलील था, बहुत ही मशहूर होटल है 3 स्टार कैटागरी का, लेकिन ये होटल्स के रूम्स थोड़े छोटे हैं, लिफ्ट इनकी को 2 लिफ्ट्स होती हैं, होटल के रूम छोटे हैं। बाकी आप लोकेशन के हवाले से देखें तो ये बहुत अच्छे होटल हैं। इसके साथ होटल अल उलियान अल हरम होटल आ गया, वो भी 3 स्टार कैटेगरी का होटल है, ये इन होटल में से कुछ बेहतर होटल है नज़दीक के हवाले से भी और कैटेगरी के हवाले से भी। उसके साथ आप देख रहे हैं जो साहब का नाम बैती 5 था, अभी इसका नाम लौलत अल फलाह है। बिल्डिंग इसकी प्यारी है गोल सी, लेकिन होटल कैटेगरी के हिसाब से 3 स्टार में ये भी
रूम के वाले से तंग की होटल है। और ये इमार अल सुल्तान, इमार अल सुल्तान मशहूर होटल, पहली बिल्डिंग गिनी जाती है 5 स्टार होटल्स के बाद कबूतर चौक में। तो अभी इमार अल सुल्तान के बाद भी यहाँ से कितना टाइम लग जाता है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 4 मिनट के राउंड अबाउट यहाँ से इमार अल सुल्तान तक का हरम तक टाइम जो है वो लगेगा। ये बाई जानब सारी जबले उमर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग्स हैं। अभी जो पहला होटल कबूतर चौक में ये बाई जानब है, ये जुमेरा होटल है, इसकी 4 बिल्डिंग हैं, 5 स्टार होटल की कैटेगरी में ये आता है। बहुत खूबसूरत होटल हैं ये अंदर से, रेट के हवाले से भी इनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 700 रियाल से इनका रूम शुरू होता है डबल बेड का। अगर ट्रिपल या क्वाड जाएं तो वो तकरीबन 100 या 125 रियाल ज़्यादा हो जाता है। दिसंबर में इनके रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, दिसंबर में रेंट इनके तकरीबन रेट 1000 रियाल के राउंड अबाउट हो जाते हैं। और फिर माशाल्लाह अगर हम बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान के में इनके रेट तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी थे बाहर। तो ये पहली कुबरी आ गई है हरम के बाद, जो पहली कुबरी है तकरीबन आप इसको 100 मीटर या 150 मीटर बोल लें, हरम के बाद ये पहली कुबरी है। कभी भी आपको ट्रैवल एजेंट भाई कुबरी के पास होटल बोलेगा तो वो ये नहीं है, वो इससे आगे वाली मिसफला कुबरी है, वो तकरीबन राउंड अबाउट जो है ना 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आप उसको लगा लें, 1 किलोमीटर के करीब जो मिसफला कुबरी है वो आती है, वो दूसरी कुबरी है। ये सामने हरम की सीढ़ियाँ आ गई हैं। यहाँ से हरम के 2-3 रास्ते होते हैं, रश की वजह से अगर ज़्यादा रश हो तो ये इन सीढ़ियों से नहीं आगे जाने देते, ये सीधा सामने इब्राहिम खलील रोड जा रहा है, ये यहाँ से आगे भेज देते हैं। और आगे से जाकर फिर आप दाएं जानब होंगे तो हरम आ जाएगा, नया हरम जिसको बोलते हैं किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। ये देखें, ये माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सहन में, हरम के सहन में आ गया हूँ। यहाँ से सहन शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेन सहन है वो यहाँ से तकरीबन आगे कोई 50 या 101 मीटर आगे है, मलक फाहद गेट के बिल्कुल सामने हम निकलेंगे। ये सारे जबले उमर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग्स, हयात रिजेंसी होटल इनमें है, हिल्टन स्वीट्स होटल इनमें है। ये माशाल्लाह मैं हरम में दाखिल हो गया, ये सामने किंग अब्दुल फाहिद गेट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सुबह के वक्त का, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाजी, बहुत रश, 7 से 8 बजे के दौरान इतना रश आम रूटीन में नहीं होता। ये सारी जबले उमर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह खैर।